इंदौर के बाईपास स्थित ओमेक्स हिल्स में इंजीनियर के घर हुई लूट के मामले में अब तक पुलिस खाली हाथ है। डकैती डालने वाले बदमाश 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस को डकैती के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इंदौर की सुरक्षित कॉलोनियों में शुमार ओमेक्स हिल्स में गुरुवार रात हुई डकैती ने सभी को हैरान कर दिया था। इस वारदात में एक परिवार के 3 सदस्यों को बुरी तरह घायल कर दिया गया था। वहीं पुलिस अब तक बदमाशों से कोसों दूर है। हालांकि पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो जरूर हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में इंदौर DIG मनीष कपूरिया का कहना है कि बाईपास स्थित अन्य स्थानों पर नई कॉलोनी या टाउनशिप बसाने की अनुमति देने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पुलिस विभाग के साथ जनता की सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करें, इसका काफी सकारात्मक परिणाम नजर आएगा। इस वारदात में सभी एंगल्स पर अनुसंधान चल रहा है। इसके क्रम में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। कुछ उसमें क्लिप्स मिले हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और मैनुअल इंटेलिजेंस भी लगाई है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु उनकी जांच, उनके बारे में सूचना देने के लिए भी इनाम घोषित किए हैं। नागरिकों की सुरक्षा पहला प्रायोरिटी है और इसके लिए सभी विभागों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम कराएंगे, वो चल भी रहा है। और सिक्योरिटी ऑडिट जैसा मैंने अर्ज किया कि हम वहाँ का करेंगे और यदि कोई खामी पाई जाती है तो उसका निराकरण करें। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस सभी बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।